हमारी संस्कृति में वीरों के चार प्रकार माने जाते हैं, एक दानवीर, एक दयावीर, एक धर्मवीर और एक युद्धवीर। मुझे लगता है कि शिवाजी महाराज भारत माता के इकलौते संतान थे, सपूत थे, जिनमें वीरों के चारों स्वरूप समाहित थे। सदियों गुजर जाने के बाद भी हर एक भारतवासी के हृदय की वह जीवन धड़कन है। वह कैसे वीर महापुरुष हैं जिनके नाम के स्मरण मात्र से रगों में खून दौड़ने लगता है, स्मृति पटल में उनकी छाया भर से इस देश के नैतिक मूल्यों और आदर्शों की धारा प्रस्फुटित होने लगती है। भारतवर्ष के इतिहास में अनेक गौरवपूर्ण कालखंड हैं, उसमें छत्रपति शिवाजी महाराज का उज्ज्वल कालखंड वीरता के गगन मंडल में असंख्य तारों की तरह चमकता रहता है, और दीपावली के ठीक पहले उनकी मूर्ति का यह लोकार्पण सीमा पर साहस और प्रेरणा के असंख्य दीप जलाता रहेगा। शिवाजी के विजय प्रयाण की गाथा उत्साह का संचार करती है और राष्ट्र विरोधी शक्तियों के खिलाफ एक बड़ी ललकार भरती है। देश, धर्म और संस्कृति के लिए जिस प्रकार का त्याग छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया है, उसने उनके शिव नाम को सार्थक भी किया है। मुझे खुशी है कि शैव दर्शन की इस पवित्र भूमि मां शारदा की इस मिट्टी में आज 7 नवंबर को एक नई परंपरा शुरू हो रही है। मेरा आग्रह होगा कि हर वर्ष 7 नवंबर को कुपवाड़ा में छत्रपति शिवाजी महाराज पर्व मनाया जाए, ऐसा हम आर्मी के जवानों से अनुरोध करेंगे।